Hello everyone. Today we will start some extra features of Word, okay? Which is find and replace. So Word हम पहले open कैसे करते हैं, how to open Word वो हम सीखेंगे, ठीक है? For opening Word we will go to this type here to search. आप यहाँ पे जाने और यहाँ पे सीधे आप क्या करोगे, सर्च करेंगे। आप ऐप्स में भी जाकर ढूंढ सकते हो, ठीक है, हॉल में भी जाकर देख सकते हो, ठीक है। बट शॉर्टकट तरीका ये है कि आप यहाँ पे जो भी सर्च करना है आप यहाँ पे टाइप करोगे, ओके। ऐसे मैंने यहाँ पे टाइप किया वर्ड, ओके। तो यहाँ पे वर्ड जो ऐप है वो हमारा ओपन हो जाएगा आप जब इस पर क्लिक करोगे, ओके। और ये ऑफिस का पार्ट है, अगर आप ऑफिस सर्च करते हैं तो ऑफिस में ये सारे पैकेजेस होते हैं, एमएस ऑफिस, ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सारे आते हैं। ऐसे यहाँ पे एमएस ऑफिस, ठीक है, तो एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट, एक्सेस, वर्ड, ये सारा शो कर रहा है। तो मुझे वर्ड ओपन करना है, इसलिए मैं वर्ड पे क्लिक करूंगा, तो वर्ड फाइल हमारा एक न्यू फाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक ऑन ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो दिस इज आवर वर्ड फाइल, ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है एंड दिस वाइट एरिया इज कॉल्ड वर्किंग एरिया। यहाँ पे आप जो भी टाइप करोगे स्क्रीन पे शो होगा। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है, ये सारे टैब्स है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, ये सारे बहुत सारे टैब्स होते हैं। इसके बहुत सारे, जैसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो हम लोग कुछ फीचर्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो सीखेंगे। तो टुडे वी विल लर्न Today we will learn find and replace. Okay, find and replace. Find means आपको पता है what is the meaning of find? Find out करना something means आपके word के file में अगर आप किसी particular word को find out करना चाहते हो, search करना चाहते हो, तो find हो गया। And replace, आप replace भी कर सकते हो, जैसे आपका आपका एक particular book typed है already in word. And you want to replace some word with another word. So find, अब आप आपको क्या करना पड़ेगा, book है, it means बहुत सारे pages होंगे, maybe it may be 100 pages or 200 pages, okay? तो आपको क्या करना है, आपको उस document में बहुत सारे words ऐसे हैं जिसको आपको find करना, और वो word एक बार नहीं बहुत बार exist कर रहा हो, तो उसको ढूंढना एक एक करके बहुत hectic हो जाता है। बट वर्ड है हमारा जो इजीली काम कर देगा, आप वहाँ पे फाइंड पे जाकर वर्ड को इजीली सर्च कर सकते हो। और अगर यू वांट टू रिप्लेस अ पर्टिकुलर रिप्लेस विद पर्टिकुलर वर्ड और लाइन, यू कैन इजीली रिप्लेस दैट वर्ड, ओके। द फाइंड कमांड इज यूज्ड टू सर्च, ओके। फाइंड कमांड किस लिए होता है, फाइंड कमांड होता है सर्च करने के लिए स्पेसिफिक वर्ड को और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, ओके। एंड रिप्लेस कमांड इज यूज टू रिप्लेस अ स्पेसिफिक वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। फाइंड क्या करेगा, सर्च करेगा, एंड रिप्लेस कमांड जो होता है वो स्पेसिफिक वर्ड और टेक्स्ट मीनिंग लाइन या जो भी आप टू लाइन फोर लाइन मीन्स वर्ड या लाइन आप इंसर्ट कर सकते हो उस वर्ड के जगह पे जो आपने फाइंड के थ्रू फाइंड आउट किया, ओके। तो फाइंड पहले करेंगे तब तो रिप्लेस करेंगे, बिना फाइंड के डायरेक्टली रिप्लेस नहीं होता। फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द टेक्स्ट, ओके। तो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, द स्टेप्स फाइंड a word or text in a document are as follows. On the home tab, आपको कौन से टैब पे जाना है,
होम टैग है. तो वेयर इज होम टैग, दिस इज होम टैग इन द एडिटिंग ग्रुप. अब देखो यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप होगा कहीं, यहाँ पे जैसे देखो क्लिपबोर्ड ग्रुप है, दिस इज फॉन्ट ग्रुप, दिस इज पैराग्राफ ग्रुप, दिस इज स्टाइल ग्रुप एंड दिस इज एडिटिंग ग्रुप. ठीक है. इन एडिटिंग ग्रुप क्लिक द नेविगेशन टैब अपीयर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो. जब आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये आ गया फाइंड ऑप्शन. ठीक है, अब इस पे आपको फाइंड पे क्लिक करना है. तो जब आपने फाइंड पे क्लिक किया, ठीक है, जब आपने फाइंड पे क्लिक किया, देखो क्या हो रहा है लेफ्ट साइड में. तो ये हमारा लेफ्ट साइड है, इसमें एक आपका एक मेनू जैसा एक एक्स्ट्रा पैन यहाँ पे ऐड हो गया. टाइप द वर्ड और टेक्स्ट दैट यू वांट टू सर्च. ठीक है, जैसे इस डॉक्यूमेंट में द तो बहुत बारी होगा, ये तो कंफर्म. चलो मैं द को सर्च करती हूँ. सर्च द डॉक्यूमेंट. ओके, तो आपको क्या सर्च करना है यहाँ पे. सपोज आई वांट टू सर्च द. ठीक है, देखो जैसे ही मैंने द यहाँ पे, ठीक है, एक बार मैं हाईलाइट करती हूँ. ठीक है, जैसे ही देखो यहाँ पे मैंने द टाइप किया, वर्ड्स द वर्ड्स आर हाईलाइटेड, कितने सारे द वर्ड्स हाईलाइट हो गए ना हमारे. If the box is found, it gets highlighted in the document and a preview of the search result appear in the navigation bar. अब यहाँ पे देखो जो भी highlighted word जहाँ पे available है, देखो यहाँ पे वो line as it is आ रहे हैं. ठीक है, जो highlighted word है ये देखो, है ना, the the the. देखो हमारा द फाइंड कमांड इज यूज टू, याद है ये फाइंड कमांड कहाँ पे था, देखो ये ना द फाइंड कमांड इज यूज टू सर्च. ये एज इट इज टेक्स्ट हमारा आ रहा है, और जो भी आपने वर्ड यहाँ पे सर्च करने के लिए डाला है वो देखो बोल्ड लेटर में आ रहा है, और प्लस वो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में हाईलाइट किया है, येलो कलर से आ रहा है ना, दिस इज हाईलाइटेड एंड दिस इज फाइंडेड टेक्स्ट. ओके, ये वर्ड को ये फाइंड आउट करके शो कर रहा है. तो दिस वॉज द स्टेप फॉर फाइंडिंग द टेक्स्ट. बहुत ही ईजी है. करना क्या है, आपको एडिटिंग में जाना है, उसके बाद क्या करना है, फाइंड पे क्लिक किया आपने, ये ओपन हो गया विंडो यहाँ पे, फिर आपने यहाँ पे क्या किया, सर्च कर दिया. अब यहाँ टोटल शो कर रहा है 44 द जो है अवेलेबल है आपके रिजल्ट आपके पेज. ठीक है, दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल. ओके, तो फाइंडिंग अ टेक्स्ट वेरी इजी. नाउ नेक्स्ट इज रिप्लेसिंग टेक्स्ट. अब आपने फाइंड का काम तो कर लिया, अब आपको रिप्लेस करना है. ठीक है, तो कैसे करोगे, हम इसको क्लोज कर देंगे. तो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड कैन बी कंबाइंड टू find a particular word or text in a document and replace it with another word or text. Okay? What it is saying? Find and replace command combined करके use कर सकते हो आप replace करने के लिए, किसी particular word or text. It means without find you cannot replace any word. जब तक आप फाइंड नहीं करोगे वहाँ पे रिप्लेस कैसे हो. तो फर्स्ट यहाँ पे जब भी आपको रिप्लेसिंग करना है, द फाइंड एंड रिप्लेस कमांड कैन बी कंबाइंड टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड और टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट एंड रिप्लेस इट विथ अनदर वर्ड और टेक्स्ट. ठीक है, स्टेप्स क्या है, देखो ऑन द होम टैब. ठीक है, आपको कहाँ पे जाना है, होम टैब. ठीक है, वेयर इज होम टैग, दिस इज योर होम टैग. ओके, क्लिक रिप्लेस. इन द एडिटिंग ग्रुप, वेयर इज एडिटिंग ग्रुप, दिस इज द नेम ऑफ ग्रुप. ओके,
just click on editing group, click replace. ठीक है, आपने क्लिक रिप्लेस पे जब क्लिक किया तो अब देखो यहाँ पे एक पॉपअप आपके पास आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड व्हाट, आपको फाइंड क्या करना है, बाय डिफॉल्ट द आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, और रिप्लेस किसके साथ करना है आपको वो डालना। ठीक है, तो क्या लिखा, द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्लेड विथ द रिप्लेस टैब सेलेक्टेड। ठीक है, फाइंड रिप्लेस जो डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले होगा विथ रिप्लेस टैब, यहाँ पे रिप्लेस जो है आपको जिसके साथ करना है वो यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन रिप्लेस दैट वर्ड। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। इफ द फाइंड वर्ड बॉक्स टाइप द वर्ड इन द फाइंड वर्ड बॉक्स, फाइंड वर्ड बॉक्स टाइप द वर्ड और टेक्स्ट ऑफ टू बी सर्च एंड रिप्लेस। ठीक है, इन द रिप्लेस विथ बॉक्स टाइप द रिप्लेसमेंट वर्ड और टेक्स्ट। लास्ट वन इज क्लिक फाइंड नेक्स्ट, इफ वर्ड 2016 फाइंड द वर्ड और टेक्स्ट गिवन इन फाइंड वर्ड बॉक्स, इट गेट्स हाईलाइटेड इन द डॉक्यूमेंट, यू कैन देन चूज टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो ये फाइव स्टेप मैं फिर से करके देखती हूँ। गो टू होम टैब एंड इन एडिटिंग ग्रुप, आपको कहाँ पे जाना है, इन एडिटिंग ग्रुप गो टू रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, फाइंड व्हाट में आप क्या टाइप करोगे, जो भी आपको सर्च करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ओके, अब जब आप इस पे क्लिक कर रहे हो फिर क्या आ रहा है, फाइंड वर्ड बॉक्स टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू सर्च, मैंने ये वर्ड डाल दिया डिस्प्ले। नेक्स्ट स्टेप इज इन रिप्लेस विद बॉक्स टाइप द रिप्लेसमेंट वर्ड और टेक्स्ट, अब यहाँ पे आप जो वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं वो आप डाल दोगे। तो पहले आप फाइंड कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ डिस्प्ले आ गया, हाईलाइट कर दिया। अब वहां पे आपको जो जिससे मान लिया रिप्लेस करना है, जैसे यहाँ पे मैंने रिप्लेस के लिए डाल दिया शो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ रिप्लेसमेंट करना है तो रिप्लेस कर दो, और रिप्लेस ऑल के मीन, ऑल मीन्स जहां जहां भी डिस्प्ले होगा वहां वहां शो को चेंज कर देना। ठीक है, बट फाइंड नेक्स्ट करने पे क्या होता है, एक एक करके वो शो करता है, मीन्स डिस्प्ले जो है वो यहाँ पे ही सिर्फ अवेलेबल है, ठीक है, इसके बाद अवेलेबल नहीं है, तो सिर्फ वहां पे ही चेंज करेगा। आपको अगर चेंज करना हुआ तो आप क्या कर दोगे, रिप्लेस कर देना, अगर इग्नोर करना हो तो फाइंड नेक्स्ट कर देना, और रिप्लेस ऑल करोगे तो एक बार में वो सारे को रिप्लेस कर देगा। ओके, तो एक बार देख लो, यू कैन देन चूज टू डू द एनी ऑफ द फॉलोइंग, क्लिक द फाइंड नेक्स्ट बटन टू स्किप द अकरेंस ऑफ द वर्ड ऑफ टेक्स्ट विदाउट रिप्लेसिंग। ठीक है, फाइंड नेक्स्ट क्या करता है, स्किप करता है जो भी अकरेंस आ रहा है वर्ड, आपको रिप्लेसमेंट वहां नहीं करना है, फाइंड नेक्स्ट होता है। ठीक है, और रिप्लेस क्या करेगा, अगर आप रिप्लेस पे क्लिक करोगे तो रिप्लेस विल रिप्लेस द वर्ड। नेक्स्ट, क्लिक द रिप्लेस ऑल बटन टू रिप्लेस ऑल द अकरेंस ऑफ द वर्ड और टेक्स्ट इन द फाइंड वर्ड बॉक्स विथ दैट ऑफ द रिप्लेस, मतलब रिप्लेस ऑल क्या करेगा, जहां जहां भी आपने फाइंड वर्ड में जो भी डाला था वहां वहां रिप्लेस ऑल जो है
वो ऑटोमेटिकली सारे जगह पे रिप्लेस कर देगा। रिपीट स्टेप 5 टिल यू हैव रिप्लेस ऑल द डिजायर अकरेंस ऑफ द वर्ड और टेक्स्ट। अ मैसेज बॉक्स अपीयर, क्लिक ओके। ठीक है, क्लोज एंड क्लोज द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ओके, तो दिस वॉज द यूज ऑफ फाइंड एंड रिप्लेस एंड वी सीन अबाउट द हाउ टू apply find and replace option. Okay, the steps are very easy. You can easily apply on your document. Thank you all. Thank you for watching my video.